मॉर्निंग क्लास 5। आई होप कि आपने ये पोयम मार्टिन्स विंडो पढ़ी होगी। दिस इज योर पेज नंबर 29। हाँ, ये जो पोयम है ये एक सोल्जर के बारे में है जिसको बाई एक्सीडेंट गोली लग गई और उसके पेट में एक छोटा सा छेद हो गया, जिससे कि डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि फूड कैसे डाइजेस्ट हो। ठीक है, पहले हम इस पोएम को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। हियर्स एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी। ये एक पुरानी कहानी है जो थोड़ी मज़ेदार है। देयर, यहाँ मार्टिन के टमी में, उसके पेट में एक छोटी सी खिड़की थी। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लड अ लॉट। एक्चुअली क्या हुआ था कि बाय मिस्टेक, क्योंकि वो सोल्जर था, उसको एक बार गोली लग गई। गोली लगी कहाँ? बिल्कुल स्टमक पर, और उसमें से बहुत सारा खून निकला। द वॉन्ड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। अब जो वॉन्ड था, जो घाव था, वो तो धीरे धीरे भर गया और उस पर स्किन भी आ गई, लेकिन उसमें एक छोटा सा होल, छेद बाकी रह गया, जिससे कि उसमें अंदर देखा जा सकता था। ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। ओ ये तो कितना बढ़िया गोल्डन चांस मिल गया डॉक्टर्स को स्टडी करने के लिए कि हमारे बॉडी के अंदर आखिर फूड के साथ क्या होता है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू, द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टमक हेल्प अस ऑल मी एंड यू। ये कहानी थोड़ी अजीब ज़रूर लगती है, लेकिन बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ था। और जो मार्टिन के स्टमक का सीक्रेट था, उससे हमको, आपको, मुझको, डॉक्टर्स को सब जानने में हेल्प मिली कि आखिर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। तो ये कहानी है स्टमक विद अ विंडो, ऐसे पेट की जिसमें एक विंडो था, जो आपने पोयम में पढ़ी। इट वॉज अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन, इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी। इन 1882 में वो 18 ईयर्स का था और काफ़ी हेल्दी था। वेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट, जब उसको गोली लगी तो वो बहुत बुरी तरह बीमार हो गया। एट दिन टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर ब्यूमॉन्ट नाम के एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वॉन्ड एंड पुट द ड्रेसिंग, उन्होंने उसके घाव को साफ किया और उस पर पट्टी बांध दी। आफ्टर, इस तरह उसका इलाज चलता रहा। आफ्टर 1.5 ईयर द डॉक्टर्स फाउंड दैट मार्टिन्स वॉन्ड हैज हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक। एक डेढ़ साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन का घाव पूरी तरह भर गया है, लेकिन उसमें एक छेद बाकी रह गया है। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में वॉशर होता है जहाँ से हवा भरी जाती है, उसी तरह से होल के ऊपर भी एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा था जो कि उसे ढक लेता था। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इन टू मार्टिन स्टमक, उसको थोड़ा, स्किन को थोड़ा सा दबाओ और आसानी से मार्टिन के पेट के अंदर देख लो। नॉट ओनली दैट द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाई पुटिंग अ ट्यूब इन द होल, इतना ही नहीं डॉक्टर उसके पेट के अंदर एक ट्यूब डालकर खाना भी बाहर निकाल सकते थे। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, और डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को लगा कि ये तो मुझे खजाना मिल गया, जिससे कि मैं आसानी से अब समझ सकता हूँ कि पेट के अंदर फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई सालों तक किए हैं, पता कितने साल, 9 ईयर्स, 9 ईयर्स तक वो मार्टिन के स्टमक के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, ये इतने सालों में मार्टिन और बड़ा हो गया और फिर उसकी शादी भी हो गई।
At that time, scientists did not know how food was digested. तब तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं या लिक्विड होता है हमारे पेट के अंदर, वो इसमें हेल्प करता है क्या, ये खाने को सिर्फ सॉफ्ट करता है या फिर उसको डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ये सारे सवालों के जवाब तब तक किसी के पास नहीं थे. Dr. Beaumont took some liquid out of the stomach. He wanted to see what would happen to the food that kept in the glass filled with it. Dr. Beaumont ने पेट के अंदर से ट्यूब डालकर थोड़े सा लिक्विड निकाला बाहर, और वो ये देखना चाहते थे कि आखिर जो फूड आइटम्स होते हैं जब उनको इस जूस में रखा जाता है तो क्या होता है. ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने थोड़ा सा जूस निकाला स्टमक के अंदर से और उसको एक टेस्ट ट्यूब में, ग्लास के ट्यूब में रख दिया. उन्होंने सुबह 8:30 को ये रखा और इसमें 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश डाल दिए. छोटे छोटे 20 पीस बॉइल्ड फिश के करके इस जूस में डाल दिए और उन्होंने इस ग्लास को उस टेम्परेचर पर रखा जितना हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है, तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस. वेन ही चेकड एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैज डिसॉल्व्ड. जब उन्होंने 2 बजे दोपहर को इसको देखा तो उन्होंने देखा कि फिश जो थी वो पूरी तरह से घुल चुके थे, फिश के टुकड़े पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके थे. ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ किया और साथ के साथ उन फूड आइटम्स को मार्टिन के पेट के अंदर डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, डिसॉल्व होने में कितना टाइम लगता है, वो भी देखा और फिर उन्होंने इस तरह से एक टेबल तैयार किया. जब हम इस टेबल को स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि दोनों में डाइजेशन हो रहा है, लेकिन पेट के अंदर जब डाइजेशन होता है तो वो जल्दी हो जाता है और जब हम उसको बाहर करते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है. तो हमारा स्टमक क्या करता है, बेसिकली हमारा स्टमक जो है वो खाना